तो क्या फिर आपने उसको साफ किया? हाँ, मैंने साफ कर दिया, क्योंकि साफ कर दिया, मुझे डर लग रहा था उसको देख देख के, तो मैंने अब दादा कोना है एक, तो आते जाते नजर तो पड़ेगी ना। हाँ, क्योंकि मेरा ये रूम था ना, अब यहाँ पे बेड रखा था, यहाँ तक था, इतना बड़ा बेड है, यहाँ तक आता था, मैं सोती भी थी ना, अगर दरवाजा खोल के तो मेरी नज़र इसी पे होती थी, मतलब इस पूरी जगह पे होती थी, इतना हिस्सा मुझे नज़र आ रहा होता था वहाँ से, क्योंकि यहाँ बैठता हूँ उस तरफ मुँह करके मैं सोती थी, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं, ये जगह तो मेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस थी कि मैं यहाँ पे बाकी नज़र पड़ती, फिर विंडो इस तरफ थी उसकी ना, जहाँ पे ये तो विंडो में भी अक्सर कभी इंसान जा रहा है, विंडो खोल रहा है, तो वो चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो मेरा कोई वहम हो या वो, इनफैक्ट यहाँ पे कलर नहीं हुआ हुआ ना, तो यहाँ पे अक्सर आप देखें कोई कीड़ा, किसी ने पुराने जो लोग रहते थे उन्होंने कोई कीड़ा वीड़ा मारा तो उसका रेड स्पॉट आपको नज़र आ रहा होगा जी, ये है ना। अब मैं इसको भी बोल सकती हूँ भाई मुझे तो रेड स्पॉट्स नज़र आते हैं, लेकिन नहीं, ये मुझे समझ आ रहा है ये कुछ मारा गया। अभी तक मेरी जितनी गुफ्तगु हुई ना इनसे दादा, एक बात तो मैं श्योर कहता हूँ कि इन्होंने कोई अपनी तरफ से या कोई गलत बयान नहीं या किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के नहीं, बल्कि अपने डाउट्स को पहले खुद क्लियर किया फिर हमें बताया। आप नोट कर रहे थे, कोई चीज़ होता है ना खुद से ऐड कर देना, बढ़ा देना और राय का पहाड़ बनाना, ऐसा नहीं, बल्कि कुछ बातों पे तो मुझे डाउट था, इन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, ये चीज़ भी तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि आप गलत बयान ही नहीं कर रहे। हाँ, इनफैक्ट आपको एक बात बताऊँ कि मैं कुरानी आयत सुनती हूँ, तो उसमें सूरह तोहा की एक आयत है कि या, उसका तर्जुमा है कि या अल्लाह इस जादू को बेअसर कर दे, उसका तर्जुमा है कि या अल्लाह इस जादू को बेअसर कर दे। तो अच्छा, उस वक्त मुझे ये पता नहीं था तर्जुमा, बस मैं ही सुनती थी, तो जब मैं सुनती थी ना लिटरली मेरा दिल करता था मैं अपना सर जो है ना दीवार में दे दे के मारूँ, और मैं लिटरली तकिए को यूँ पकड़ती थी और मैं तकिए से अपने सर को मारती थी, मुझे तकलीफ़ होती थी शदीद वाली। और फिर जब मैंने उसका तर्जुमा पढ़ा, मैंने कहा आखिर इस रुकैया शरकिया का तर्जुमा क्या है, ये कौन सी आयात हैं, फिर मैं अब ऑफिस जाके अक्सर ये चीज़ें देख रही होती हूँ, जब मैंने उसका तर्जुमा पढ़ा तो लिटरली वो सूरह तोहा की आयत थी जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि वो जादू का जो एक वाक़िया शेयर करते हैं, तो उसमें वो अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि इस जादू को बेअसर कर दो, कि दुआ करो कि ऐ मूसा इस जादू को बेअसर कर, अल्लाह इस जादू को बेअसर कर दे। तो वो आयत जब मैंने कहा अच्छा मैं ये आयत सुनती थी तो मेरा दिल ऐसा होता था कि बस मैं कुछ कर दूँ अपने सर के साथ। जिस पर गुजरती है और ये पता नहीं मैं बताऊँ या नहीं बताएं कि मुझे दो तीन बार यहाँ आने के बाद, उस वक्त शुरू में नहीं, यहाँ आने के बाद मुझे दो तीन बार एक ही ख्वाब आया कि सूरह तोहा पढ़ो, सूरह तोहा पढ़ो, सूरह तोहा और सूरह नूर पढ़ने का स्पेशली मुझे ख्वाब में आया। लेकिन रो लें, निकाल लें आप, कोई बात नहीं, दिल हल्का कर लें अपना। अच्छा, वो आपका स्कार्फ और कमीज दिखा सकते हैं? अच्छा, कूलर भी दिखा दें कि वो किस तरीके से ये गिरा था। हाँ, ये देखिए, ये यहाँ चेयर पे रखा हुआ था, इस तरफ यहाँ चेयर रखी थी, कूलर यहाँ था, इसको किसी ने जैसे नहीं होता, अच्छा ये फुल भरा हुआ था, कोई छोटा कूलर भी नहीं, और दरवाजा मेरा घर ऐसे पैक था सर्दियों में, उसको ऐसे ना किसी ने यूं करके गिराया है, पूरा ये टूटा है, ये ढक्कन खुद ही खुला है, पानी गिर रहा था उसमें से, और ये देखें ये चटक क्या है। ये उसके बाद से चटक सही, और शर्ट्स में देखें कहीं और निशान नहीं है कोई? नहीं, कुछ भी नहीं जी, बल्कि मुझे पता है वो किसी ने अपनी कहाँ पे पहले से कहा? नहीं नहीं नहीं, ये देखिए कि अजीब अजीब से कोई निशानात है कोई। हाँ, क्योंकि मैं जब ये शिफ्ट हुई कलर नहीं कराया था, तो मैं इसको भी समझ सकती थी ना, मैं ये ब्लड स्पॉट है, बट इसको मैं नहीं समझती कि ये कुछ ऐसी वैसी चीज़ है। रूम का दरवाज़ा बंद करके सोती हूँ तो मुझे सुकून मिलता है, वरना मुझे नींद नहीं आती है। जब से मैंने उस औरत को देखा अभी कुछ दिनों पहले, तो ये दरवाज़ा बंद भी होता है ना, फिर मुझे खौफ आता है कि जैसे अभी मुझे कोई यहाँ पर कुछ नज़र आएगा। अभी अभी रिसेंटली क्या होगा, मैं यहाँ लेटी हुई थी, मुझे ऐसा लगा जहाँ पे कॉम्बैट के कॉर्नर पे या तो कोई आके बैठा है या कोई उठ के गया है। मैं वहम समझती हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों लगा कि आप एक गद्दे की मूवमेंट क्यों हो रही है? सही, इसको आप क्यों कह रही हैं बंद रखें? मुझे अजीब खौफ आता है,
चले अब जब तक हम है तब तक खुला रहे। चलें ठीक। आइए दिखाइए दिखाइए। आइए आइए। खुद बताएं ना, मैंने इस पे स्प्रे की कभी और ना ही मेरी चीज़ों को कोई और हाथ लगाता था, क्योंकि ऑब्वियसली मदर्स लगाती हैं, बस मेरी मदर नहीं है। तो क्या कह सकते हैं ये कि ये या तो इस्त्री से जल के जो कपड़ा अलग हो जाता है, और ये मेरा इतना फेवरेट स्कार्फ था, मैंने एक बार भी नहीं पहना था, और इसका इस पूरे तरीके से जब आपने लिया था तब ऐसा नहीं था? नहीं नहीं, देख के लिया था, इनफैक्ट फ्रेंड के साथ लिया था। चलिए एक होता है ना, अकेले ले रहा हूँ इंसान, मेरी फ्रेंड ने पूरा चेक करके लिया था और उसने कहा था ये तुम लो। दूसरी तरफ से दिखाएं ये पूरा। हार्ट शेप भी कह सकते हैं इसको, शेप कुछ और भी कह सकते हैं। अच्छा दूसरा दिखाएं। ये आपने नया लिया बिल्कुल सही, घर आप आई तो ये... नहीं नहीं नहीं, रखा रहा ये मैंने काफ़ी दिन पहले लिया था, फिर उसके बाद जब मुझे हुआ कि चलो अब मैं इसको पहन लेती हूँ, मतलब ये क्या होता है ना, आपने कोई चीज़ पसंद आई ले ली, अलमारी में रखा हुआ था, चलो कीड़ा काटता कोई तो वो स्पॉट्स बनते हैं ना छोटे छोटे छोटे, इतना बड़ा सुराख कहाँ से बन जाता। कितने दिन तक मैं इसको इग्नोर करती रही, फिर ये वाली शर्ट, इसका तो मैं बता रही हूँ कि मैंने पहनी भी थी, मैंने चेंज की है, दूसरे दिन इसको वॉश किया है, वरना अक्सर मेरे कपड़े पड़े रहते हैं, महीनों पड़े रहते हैं, वॉश नहीं करने का टाइम नहीं मिलता मुझे, पर इसको मैंने फ़ौरन वॉश किया था क्योंकि मैं घर में थी, मैंने इसको हैंग किया तो भी मुझे नहीं, मुझे फील हुआ कुछ कटा हुआ है, फिर मैंने कहा छोड़ो, फिर मैं तय करने लगी तो मुझे ये समझिए दामन जो है ना मेरा पीछे बैक साइड का जो दामन होता है। ये तो बीच में से गैप है बिल्कुल। हाँ हाँ, तो ये कटा हुआ है ना, मैं कपड़े प्रेस भी बहुत कम करती रहती हूँ तो। अच्छा अब ये चीज़ के चने मैंने कोई वॉशिंग पाउडर ज़्यादा डाल दिया हो, एक ये भी बात हो सकती है, तो इसके साथ दूसरी शर्ट्स पे तो मैंने डाली थी ना, उनको क्यों नहीं काटा, ये ही क्यों कटी है? ये पहनी हुई थी आपने? उसी वक्त पहनी हुई थी, और उसी वक्त मैं बता रही हूँ चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्स होती गई थी, और उसी वक्त मैंने ख्वाब में देखा था कि मैं और मेरी फ्रेंड, उसके साथ भी थोड़े मसाइल हैं, हम लोग एक कब्रिस्तान में हैं रात के 3 बजे, और वहाँ पे ना जैसे रेस्टोरेंट है लेकिन वहाँ पे कच्चा गोश्त, चिकन का कच्चा गोश्त बिक रहा है, ठीक है, तो और हम लोग उस रेस्टोरेंट पे बैठे हैं, मैं और मेरी फ्रेंड हम लोग बैठे हैं, उसके बाद कब्रिस्तान में हम देखते हैं, तो इस ख्वाब से भी मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा, इसके अलावा फिर कब्रिस्तान देखना, मुर्दे देखना, सांप देखना, लिज़र्ड्स देखना ख्वाब में, समंदर देखना कि समंदर मेरे ऊपर आ रहा है, तूफान आ रहा है मेरे ऊपर और मैं डूबने वाली हूँ, इस तरह की चीज़ें बहुत देखी। और एक और मैंने बहुत डेंजरस ख्वाब देखा था, हाँ मैंने ख्वाब में देखा मैं अपने फेस, यह है ना ये वाली पूरा आपके जो बोन्स हैं फेस बोन्स, इसमें से मैं सुइयाँ निकाल लूँ, मैं सुइयाँ निकालती हूँ तो मेरा चेहरा जो है ना वो मेल्ट हो जाता है, और मेरे सामने वही पर्संस हैं जो जिन पे मुझे डाउट है। अच्छा ये आपको डाउट है, ये श्योर हैं आप? श्योर। अच्छा जब उन्होंने माफ़ी मांग ली, माफ़ी फिर उसके बाद अब जब मैं ये कुरानी आयत पढ़ती हूँ तो एक दिन ऐसा ही हुआ कि मैं, अरे रमज़ान की बात है कब की बात है, तो मुझे
हाँ मैंने ख्वाब में देखा कि मैं सिपारा पढ़ रही हूँ, उन्हीं के घर कुरान खानी में गई हूँ, मैं सिपारा पढ़ रही हूँ, और उसमें वो जब मैं कुरान खोल सिपारा खोलती हूँ तो मैं देखती हूँ उसमें सूरह तौहा की आयत है। तो मैं कहती हूँ चलो अच्छा मैं ये पढ़ती हूँ इनके घर बैठ के, क्या पता मेरे ऊपर से बिल्कुल ख़त्म हो जाए। वो औरत मुझसे सिपारा छीनती है, सिपारा छीनती है, बोलती तूने ये अल्लाह ये आपने ख्वाब में देखा है? हाँ ख्वाब में देखा है ये मैंने। अच्छा मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मैं उस औरत के बारे में नहीं सोचती, ना मैं उससे बदला लेने के बारे में सोचती हूँ ना कुछ, मैं चाहती हूँ बस मेरी चीज़ें सही हो जाएं। तो मैं ये समझूँ कि जो आयत है वो मिन शर्री हासिदिन इज़ा हसद, ये सब वही है, मतलब ये सब की वजह वही आयत ही है, हसद ही है सब। हाँ बिल्कुल हसद की वजह से सब कुछ हो रहा है। अगर लेकिन कहते हैं कि जादू से ज़्यादा जो बुरी चीज़ें वो नज़रें बंद है, जादू से ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है ये, तो नज़रें जादू तो खैर मुझे लगता है जादू तो शायद अब ख़त्म हो गया, जो बाकी है वो नज़रें बंद है। तो जो अगर हम मुँह को अगर कोई किसी कोई अच्छा लग रहा है किसी कोई बात है तो अगर हम माशाल्लाह कह देंगे तो नज़रें बंद नहीं लगेगी? माशाल्लाह होल वाला होता है, लेकिन मसला ये ये कह देंगे तो सही हो जाएगा सर, हुक्म यही है। और दिल में अगर हसद पैदा होगा जेलेसी आएगी तो हम अंदर से मतलब जानबूझ के कोई कोशिश करेंगे उसको तकलीफ पहुंचाने का होता है सर। नहीं किसी किसी में बड़ा हिर्स का मादा होता है, उसकी जो पावर होती है ना आंखों की नज़र की बड़े तेज होते हैं। तो अब क्या करना है मुझे नहीं पता। मैं उनको बुलाऊं? किनको? आपकी फैमिली पैचअप हो आपस में, दोबारा प्यार मोहब्बत हो। देखिए इसके लिए ज़रूरी है ये सब चीज़ें करता हूँ। तो ख़त्म कैसे आप पहल कर लें? नहीं अगर उसके ऊपर से जो असरात हैं जो नेगेटिविटी जो नफरत की एक चीज़ उसके ऊपर है तो वो जब तक वो ख़त्म नहीं होगी नहीं हो सकती। इन तीन सालों इन तीन मिलने से ही होगी वो? नहीं इन तीन सालों में नहीं रब्ता हुआ? नहीं फादर से भी कॉन्टेक्ट करने को मना किया हुआ। किसने? सगे भाइयों ने, दोनों भाइयों ने, दो भाई ना। कुछ चीज़ें ऐसी हुई है ना इन बिटवीन बहुत ज़्यादा, एक तो आप कह सकते हैं कुछ चीज़ें जादू से हुई, कुछ अकेले होने की वजह से भी कुछ इस तरह के मामला हुए हैं ना कि देखें लालच ना बहुत बुरी चीज़। बेशक तो यकीनन जी ये सभी कुछ लोग हैं देखते हैं हमारा प्रोग्राम और मुझे लगता है कि शायद आपकी फैमिली भी देखती होगी। तो जैसे आपके सामने एक बात आई कि हुजूर ही फरमा रहे हैं सरकार मदीना, पहली बात कि झगड़ा छोड़ दो चाहे हक पर हो, मतलब अगर आप सही भी हो आपकी गलती नहीं है फिर भी आप झगड़ा छोड़ दो। दूसरी बात अगर झुक जाने में तुम्हारी इज्जत कम हो जाए तो रोज़े महशर मुझसे ले लेना। ठीक ये आपने तो सुन ही लिया, मुझे लगता है पहुंच जाएगा उन तक भी। बहरहाल जी ये बहुत हो रहा है आजकल, बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमें बहुत सारे पैगाम आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, कुछ भी नहीं है, बस ये होता है कि इतनी इतनी सी बातें होती हैं उसको जो है ना आप बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। यकीनन जी आप तमाम लोग खैर खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात की करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। समझ लें कि परेशान हैं। एक बात मैं यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, मैं देख रहा था कई लोग जो है ना थोड़ी सी घर की हालत को देखकर नाराज़ हुए, गुस्सा हुए, परेशान हुए, उसमें हमारे टीम मेंबर भी थे, मैं भी शामिल हूँ उसके अंदर, आप भी सुहेल भाई भी वहाँ हुए परेशान। जाहिर सी बात है मुझे भी थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन होता है ऐसा शिराज भाई वाक्यतन। मैंने इनसे वहां पूछा भी कि एक तो हम जानते ना सफाई निस्फ ईमान है, सफाई जो है वो आधा ईमान है, एक काम आप सफाई के साथ कर रहे हैं एक काम आप बगैर सफाई के साथ कर रहे हैं, तो आधा तो वो वैसे ही कम हो गया, आधा रह गया वो। और कबूलियत में जब एक चीज कही है ये पता नहीं आपको कबूल हो या ना हो, लेकिन आपको ये पता है कि सफाई निस्फ ईमान है, 50% तो आपका चांस बन गया ना कबूल होने का। और जो रोजे का जिसको पता है, कुरान पाक का जिसको पता है, नमाज का जिसको पता है, क्या उसको सफाई का नहीं पता होगा? इन्हें भी यही बात मैंने जब कही कहती है मुझे पता है। और सबसे बड़ी बात लोगों ने लिखा कि आप आ रहे थे इनके घर उस दिन तो साफ कर लेती, तो क्या इस बात का अंदाजा इनको नहीं होगा
कि यार हमें बुलाया है घर पे और जाहिर सी बात है मेरा पूरे घर का हाल जाएगा, लोग देखेंगे, तो क्या इस बात का एहसास इनको नहीं होगा? दादा कहीं ना कहीं आप मजबूर हो जाते हैं जब आप जेरे असर होते हैं ना, लोग तो पागल कहना शुरू हो जाते हैं ना आपको। हमने देखा भी है जिन पर असरात हों या जो बेचारे किसी जादू की गिरफ्त में आ जाएं, वो लोग उनको पागल समझना शुरू कर देते हैं। तो जब इन्होंने मुझे कहा ना कि यार मैं कोशिश करती हूँ लेकिन नहीं हो पाता जेरे असर आने की वजह से और किसी बात पर, वही फैमिली इशू था इनका, इनकी फैमिली का आपस में। और थोड़ा सा हैरान मैं यूँ हुआ कि अगर मिसाल के तौर पे किसी में कोई कमी है, आपका कोई फैमिली मेंबर है उसमें कोई कमी है और जिम्मेदारी आपकी बनती है, आप अगर उसकी उस कमी को नज़रअंदाज करते हुए रब के हुक्म को मानते हुए उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं अगर, तो फिर आप नवाजे जाते हैं। देखें रब का हुक्म, हुजूर का फरमान, ठीक, उसके बकौल उन्होंने यही फरमाया ना रिश्तेदारों को, बड़ों का अदब, छोटों पे शफकत, नज़रअंदाज, दरगुजरी निभाना, एहसास, ये उन्होंने फरमाया। उस नियत से अगर आप कर लेते हैं कि नहीं जी उनका हुक्म है, हुजूर का फरमान, आप नवाजे जाते हैं, फिर आप कभी नुकसान में नहीं रहते, कोई नुकसान पहुंचा नहीं सकता। बकौल इनके वो भी खुश नहीं है जो भी इनकी फैमिली माँ जिनके साथ गड़बड़ हुई, वो भी खुश नहीं है, सुकून में नहीं है। तो भाई जब दूर रह के सुकून में नहीं हो या जो भी सुकून में नहीं है, आप फिर वाई नॉट उनको फॉलो कर लें जिनके पास सुकून ही सुकून है। इसमें ये गारंटी है कि अगर आप उनकी बात को फॉलो करते हुए मिल जाते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, किसी की कमी गलती को दरगुजर कर देते हैं, आप यकीनन नवाजे जाएंगे। आप अभी तो वैसे ही सुकून में नहीं है, तो झुटला के कौन रह सकता है सुकून। बकौल इनके इनके अपनी फैमिली मेंबर्स, मुझे पता है कि दोनों तरफ से ही गलती होती है, छोटी सी सही बड़ी सी सही, और आज के लिए बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमें बहुत ज़्यादा भेजे जा रहे हैं इस तरह के मामलात जादू को लेके, फैमिलीज में डिस्ट्रीब्यूट डिस्प्यूट को लेके, इन मिन शर्री हासिद निज़ा सर। यहाँ पर भी जब आप एंड देखिएगा, इन्होंने कहा जी मेरी तरफ से दरगुजरी। याद है आपको हैदराबाद में क्या हुआ था? इन्होंने भी यही किया था। उन्होंने क्या कहा कि मैं आपको हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ कि मैंने माफ किया जिन्होंने मुझ पर जादू किया, उनके रिश्तेदार ही थे और अल्लाह ने करम कर दिया उन पर, वो ठीक हो गए। इसी तरह हमने इनसे भी कहा, पूरी तरह नहीं कहा लेकिन ये समझ गए, इन्होंने कहा मेरा दिल साफ है, आए वो लोग पहल वो करें। एक वो हल्की सी होती है ना कसर बाकी, तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है पहल करने में, जो कर जाता है वो नवाजा जाता है। इस बात को लेके कह रहा हूँ, तुम गुस्सा छोड़ दो चाहे हक पर हो, तुम झगड़ा छोड़ दो चाहे हक पर हो। यहाँ भी मैंने वो बात कही थी, अब क्या आप दोहराना उस बात को यार, जिनकी वो बात है बार बार दोहराना अच्छा नहीं लगता शिराज भाई, वो बहुत बड़ी बात है जिनकी बात है। लेकिन अगर किसी के दिल में समा जाती है तो किसी का मसला हल हो सकता है। हुजूर ने फरमाया, सरकार मदीना ने फरमाया, फरमा रहे हैं अगर झुक जाने में तुम्हारी इज्जत कम हो जाए तो रोजे महशर मुझसे ले लेना। क्या बात होगी इससे बड़ी यार, बात है भाई। इससे बड़ी क्या बात, इज्जत करेंगे यार, इतने ख्याल रखेंगे। तो खैर जिस पर गुजरती है वो जानता है, लेकिन इन्होंने वहां मुझे कहा कि इस तरह की बात हमारे बड़ों ने क्यों नहीं कही हमें। इन्होंने ऑन कैमरा ये कहा कि जो बात आप कर रहे हैं अगर ये हमारे बड़े कर देते पहले ही, बहुत पहले, तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। बात ये जब आप इस तरफ होते हैं ना गुस्से में, आपको सब अगले की गलतियां नजर आ रही होती हैं, अपनी नजर नहीं आ रही होती, उसकी अच्छाइयां नजर नहीं आ रही होती, सिर्फ बुराइयां नजर आ रही होती हैं। शैतान आपको वो पिक्चर्स वो तस्वीरें दिखाते हैं जो सिर्फ नेगेटिव होती हैं ना। तो अगर वक्त थोड़ा सा दे देना चाहिए, बड़ों को भी छोटों को भी समझना चाहिए। फरमाते हैं यार ये बात समझ आ जाए, महसूस हो जाए तो झगड़े ही खत्म हो जाए सारे, यकीन करें सारे झगड़े खत्म हो जाए जो आजकल हर जगह पे हो रहे हैं, इतनी इतनी सी बातों पे, जरा जरा सी बातों पे। ज्यादातर अना होती है, जिद होती है, पहल वो करें, शुरुआत वो करें, हम क्यों करें। तो अब इस बात के आगे तो बात ही खत्म हो जाती है ना, ये कोई हमारी बात नहीं है जी, मैं नहीं कह रहा ये,
जिन्होंने फरमाई है उनकी वजह से कायनात है, हम सब हैं। तो उस पर चल लेने में आपको नवाजे ही नवाजे जाएंगे, आप यहाँ भी वहाँ भी। ये जो शैतान है ना, जो आपको अलग कर देते हैं रिश्तों में, तरारें, रिश्ते अलग, लड़ाइयाँ, तलाकें, सबसे ज़्यादा खुश भी वो होते हैं। खुद कह रहे हैं कि ठीक है भाई, तलाक हो गई, रिश्तेदारों में वो हो गई, एक छूट दी हुई है, लेकिन ऐसी छूट दी हुई जिससे अर्श हिल जाता है, ये कैसी छूट है? एक ऐसी छूट दी हुई जिससे शैतान सबसे ज्यादा खुश होते हैं, तो ये कैसी छूट है फिर? ना होने दें ऐसे। तो आपस में रिश्तों को निभा लें। लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोग तो बहुत कुछ कहते रहते हैं हमारे बारे में, बहुत कुछ कहते हैं तो लोगों का तो काम है कहना, तो ये ना सोचें लोग क्या कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे। यहाँ तक लोग कहेंगे यार इसकी कोई इज्जत ही नहीं है, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, इसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है, उन्हें क्या पता कि हम तुम किन के कहने पे या किन को फॉलो करने की उसमें चल, ना वो समझेंगे, वो समझते तो ऐसी बात ही ना करते। सही। तो छोटी छोटी बातें हैं जी, लेकिन ये यकीन करें सारे मसलों के जो मामले होते हैं ना, वजूहात, ये बातें जिसको महसूस हो जाए, जो समझ जाए, झगड़े ही खत्म हो जाते हैं सारे। अच्छा, जब ये केस आया था, आपने मुझे भेजा था, तो मैं भी नहीं समझ पा रहा था कि हम इसको कैसे, किन वजूहात पे हम इसको आगे ऑडियंस को भेजें। सही। लेकिन इसमें एक चीज़ मेरे सामने आई थी, वो थी कपड़े। सही। जो इनके कपड़े फटे हुए थे, तो कुछ मालूमात हैं, कुछ मेरे इल्म में ही भी हैं, जो मैंने कुछ होते हुए देखी, कि जादू की इब्तदा जो होती है, वो होती है कि कोई उस चीज की जाती, कुछ जाती चीज हो। सही। बाल हो गए, उतरे हुए कपड़े हो गए, कुछ जेर इस्तेमाल चीजें आ गई। लेकिन शुरुआत में जब आप एक फैमिली में रह रहे हैं, मिलजुल के रह रहे हैं, आप कहाँ कहाँ बचाएंगे, कैसे कैसे बचाएंगे? मशवरा तो यही कि मैंने देखा कि लोग बहुत करीबी आते हैं, घरों में से कपड़े गायब कर जाते हैं, वो महीना डेढ़ महीने में फैमिली को पता चल जाता है। बस बात ये, जिस पर आपको शक हो ना, हाँ। कि नहीं यार ये कुछ अजीब से, या इनके मामला कुछ अजीब से होने देते, तो वो जो है आप थोड़ा सा एहतियात कर लें। लेकिन बस सबसे बड़ी बात कि लोगों को समझ आ जाए कि भाई आप तो करते हैं, खुदा ना खासा पता नहीं क्यों करते हैं जादू, या करवाते हैं, करते हैं, आपको पता नहीं होता, आपकी आने वाली नस्लें बेचारी वो भुगतती हैं, वो सोचती हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमने क्या किया है, उनको नहीं पता कि उनके बड़ों ने, और अगर बड़े जो भला कर जाते हैं, जैसे हमारे बड़े भला कर गए कुछ, तो हम नवाजे जा रहे हैं। सही बात है। उनकी कर्मों से, हाँ, उनकी नेकी का फल मिल रहा है, नेकियों का, उनकी दुआओं का हमें मिल रहा है। तो इसी तरह ये एक आपको लगता है कि गलती जो है ना वो बस हुई और खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। उसके असरात अच्छे भी और बुरे भी सब पे, पूरे माशरे पे समझने पड़ते हैं। मैंने भी बड़े कपड़ों के चक्कर में लोगों को बड़ी मुश्किलात में देखा, उनकी मेन एज निकल गई इस चीज को डायग्नोज करते करते उनके साथ हुआ क्या है। लेकिन जब आखिर में बात खुली तो उनके घरों से कपड़े गायब हुए, तो उनके साथ ही पहनावे के ना, तो कहीं दफना दिए गए, चला दिए गए, खैर वो इल्म के जरिए खत्म कर दिया गया। तो मेरा बस मशवरा यही है कि लेडीज से, खवातीन से, अपने बच्चियों के कम से कम कपड़े ऐसी जगह रखें जहाँ वो उनके अलावा किसी का एक्सेस ना हो, ताकि जो जालिस लोग वहां ना पहुंच सके ना, और ये इब्तदा ही ना हो, इब्तदा का मौका ही ना देना किसी को। कुछ बातें ना, और किसी को मतलब पहनने भी ना दें, क्योंकि वो लोग भी क्या करते हैं कि, क्योंकि आपको पता है ना कि अल्लाह ने खुशबू रखी जिस्म की, जैसे जान आपने देखा ना वो पुलिस वाले डॉग को सुंघाते हैं, वो वहां से उसके पीछे चल जाता है, तो यही चीज ना कपड़ों में जो आपकी खुशबू होती है, ऐसी चीजों को सुंघाई जाती है, फिर आपके पीछे डाल दिया जाता है, फिर वो उनको खुराकें देते हैं, तो ये करके आओगे तो हम ये खुराक देंगे, तो जब भी तो नुकसान में होते रहते हैं, आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। अल्लाह महफूज रखे, अल्लाह सबको महफूज रखे। बेशक बस कुछ पॉइंटर्स अशफाक भाई हमारे, अशफाक बलोच, वो बड़े आसानी दे गए ना, कि कुछ पॉइंटर्स ना लिख लेना, जैसे थिंग्स टू डू लिखते हैं ना, थिंग्स टू डू लिख लें, डूएबल, और जो काम करने और जो काम नहीं करने, जैसे गुस्सा, गालम गलोच, हाथ उठाना, जादू तो करना ही नहीं है, वो तो सब्जेक्ट ही नहीं है हमारा, मैं आपको नॉर्मल बातें बता रहा हूँ। आजकल वो एक गालम गलोच को कोई मजाक समझा जाता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं समझी जाती, खाम खाई की, जो नहीं दे रहा उसको कहते हैं ये क्या कर रहा है, मतलब उसको समझते हैं कि ये मिसफिट है, मतलब वो सारे मिसफिट होते हैं। अलग बात ये यार, एक एक चीज का ख्याल रखना है ना, आंखों का, इस जबान का, इन हाथों का, इन कानों का, एक एक चीज का ख्याल रखना है, बाकी की तरफ लाना है इनको। तो कुछ पॉइंटर्स आप नोट करने, गुस्सा, गालम गलोच, हाथापाई, ये तो इनको करने, ये नहीं करना। अच्छा, फिर होगा आपसे,
फिर हो जाएगा कुछ दिनों बाद फिर तौबा कर लें, फिर हो जाएगा फिर तौबा कर लें, फिर अल्लाह पाक तौफीक दे देंगे। जब उनकी तौफीक मिल जाएगी तो फिर ये काम होंगे नहीं, सब कर रहे होंगे आप नहीं कर रहे होंगे, और सब कह रहे होंगे यार अजीब है, और आपको भी लग रहा होगा यार ये कैसे हो रहा है कि सब कर रहे हैं मैं नहीं कर रहा। बहरहाल जी फिलहाल दीजिए इजाज़त, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। पूरी उम्मीद है जी यहाँ से भी अब तक जैसे हर जगह से ही एक खुशी की खबर आई, दुआओं की खबर आई, दुआओं की इनाम की तरफ इनाम की शक्ल में कह लें, एक खुशी की शक्ल में कह लें कि पॉजिटिव जवाब इंशाल्लाह इनसे भी और इनकी जो फैमिली में जो लोग हैं जितने भी जो भी हैं उन तक भी यकीन है कि जी पैगाम पहुँचेगा हमारा। बात यह यार जो चल देखा है हमने, जो चला है, जाना सबको ही है, आज कल का नहीं पता, अगले लम्हे का नहीं पता, जो जितना जल्दी अवेल कर लेगा उसके लिए बेहतर है, वही नवाजा जाएगा। मम्मी कहती हैं कि जब आंखें बंद हो जाती हैं तो उस वक्त कोई भी आए तो पता थोड़ी चलता है कौन आके माफी मांग रहा है, कौन रो रहा है। इससे बेहतर ये कि सामने माफ भी मांगो ताकि आप माफ तो कर सको, खुश तो हो सको। वाह जिंदगी में कर लें, जिंदगी में कर लें, पता नहीं कल का नहीं पता, अगले लम्हे का नहीं पता। और लोग सोचते रहते हैं कि यार हम क्यों परेशान हैं, हम इतनी मेहनत करते हैं, हम इतना सब कुछ करते हैं, वो थोड़ा सा अपने अंदर नहीं झांकते, अपने इर्द गिर्द नहीं झांकते, बड़ा कुछ जो है ना जुड़ा हुआ होता है, सब कुछ इसी से जुड़ा हुआ होता है। तो कंटिन्यू कर लेंगे कंटिन्यू। फिलहाल दीजिए इजाज़त, जिंदगी रही इंशाल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम।